हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ पुष्पेन, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल, अपनी कोचिंग क्लासेस। टुडे आई टीच यू कोरोलरी ऑन एएसपीटी। इन प्रीवियस वीडियोस वी स्टडी एएसपीटी। एएसपीटी मींस एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। इन दिस स्टेटमेंट वी स्टडी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग एक कोरोलरी है, किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल का बाइसेक्टर अगर किसी पॉइंट ओ पर मीट करता है तो उन दोनों बाइसेक्टर्स का जो इंक्लिनेशन होगा वो होगा 90 प्लस एंगल ए बाई टू। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, एबीसी। इसमें कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी मींस इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये मिल रहा है पॉइंट ओ पर, और हमको प्रूव करना है कि बी ओ सी इस एंगल की वैल्यू 90 प्लस एंगल ए बाई टू की इक्वल होगी। आइए, गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी रिस्पेक्टिवली। हमको टू प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल 90 प्लस ए बाई टू। आइए हम प्रूफ पे चलते हैं। सिंस ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, अगर हम इसको एंगल वन एज्यूम करते हैं, इसको एंगल टू एज्यूम करते हैं, तो लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू टाइम्स एंगल वन। देन एंगल बी इज इक्वल टू टाइम्स एंगल वन एंड एंगल सी इज इक्वल टू टाइम्स एंगल टू। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। इन ट्रायंगल बी ओ सी, आपको ए एस पी पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस बी ओ सी इज इक्वल 180 डिग्री ए एस पी टी। हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल सॉरी एंगल बी ओ सी इज इक्वल 180 माइनस, हम एंगल वन प्लस एंगल टू को आर एच एस में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको इक्वेशन टू का नाम देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। रीज़न है ए एस पी टी, इसमें एंगल ए को हम ए लिख सकते हैं, बी को हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बी को लिख सकते हैं टू टाइम्स एंगल वन प्लस टू टाइम्स एंगल टू इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको मिलता है वन, एंगल ए को हम आर एच एस में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ टू कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा टू टाइम्स एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल 180 माइनस एंगल ए। टू से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं तो मिलता है एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल 180 माइनस ए बाई टू। इक्वेशन
क्लियर कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हर स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो क्लियर हो रहा है तुरंत वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। माई डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो मिलता है बेटा एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 180 माइनस बाय 2। तो यहाँ से मिलता है BOC 360 माइनस 180 प्लस एंगल A बाय 2। तो ये हो गया बेटा 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल 90 प्लस A बाई 2। आपका रिक्वायरमेंट जो था पूरा हुआ, हेंस प्रूव्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोरोलरी ऑन ASPT। ये बेटा सीधे थ्योरम के फॉर्म में कोई एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं तो इस थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस थ्योरम को 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करें, फिर इससे बेस्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। आइए हम आगे इससे प्रॉब्लम रिलेटेड सॉल्व करवाते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोरोलरी ऑन ASPT। तो जो मैंने थ्योरम अभी आपको सॉल्व करवाया, मतलब सिखाया कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर हम ड्रा करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं, तो उस पॉइंट पर जो इंक्लिनेशन होगा वो इंक्लिनेशन इज इक्वल होता है 90 प्लस रिमेन एंगल बाई 2 के। ठीक है, आइए हम इसको दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा एंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, ABC। ये बाइसेक्टर हुआ, ये भी बाइसेक्टर हुआ, ये पॉइंट वो पर मीट कर रहे हैं। हमको मेजर फाइंड करनी है एंगल BOC की। हमको ये दिया है, एंगल A की वैल्यू दिया है। सिंस OB एंड OC आर द इंटरनल बाइसेक्टर bisector of angle B and C of triangle ABC, then angle BOC is equal 90 plus A by 2. Since A की value आपको बेटा given है 72 degree, put up the value of A in required expression, angle BOC 90 plus 72 by 2 means 90 plus 36 means BOC is equal 126 degree is required answer. Please note down it. My dear student, next question is the angles of triangles are x minus 40 degree, x minus 20 degree and फाइनल एंगल इज x by 2 minus 10 degree। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है कि यहाँ पर 3 एंगल्स गिवन है और ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते भी हैं और इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स of
ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 40 डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x बाई 2 माइनस 10 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं x x x मीन्स माइनस 60 माइनस 70 180, 70 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बाई 2 250 मीन्स x इज इक्वल 250 डिग्री इंटू 2 बाई 5 मीन्स x इज इक्वल 50 डिग्री इंटू 2 मीन्स x इज इक्वल 100 डिग्री। इट इज योर फाइनल आंसर। वैल्यू ऑफ x इज 100 डिग्री, प्लीज नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर TQ एंड TR आर द bisectors ऑफ द एंगल Q एंड एंगल R रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल QPR इज इक्वल 80 डिग्री एंड एंगल PRT इज इक्वल 30 डिग्री डिटरमाइन एंगल TQR एंड QTR। तो आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल PQR में QT एंड TR आर द bisector ऑफ एंगल Q एंड एंगल R रिस्पेक्टिवली। आपको गिवन है कि एंगल QPR और एंगल PRT की मेजर 80 डिग्री और 30 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड करना है एंगल QTR एंड एंगल TQR। तो मैंने एज्यूम कर लिया है मेजर ऑफ एंगल QTR इज 1 एंगल 1 एंड मेजर ऑफ एंगल TQR इज एंगल 2। सॉल्व करते हैं। लेट TQR QTR is equal angle 1 and angle TQR angle 2. Since TQ and TR are the bisector of bisector of angle Q and angle R respectively, then लिख सकते हैं क्या होगा angle QTR 90 प्लस एंगल पी बाई 2। क्यू टी आर को हम लिए हैं क्या बेटा एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल 90 डिग्री प्लस पी की वैल्यू है 80 डिग्री बाई 2 मीन्स एंगल 1 इज इक्वल 90 प्लस 40 डिग्री दोनों का सम करेंगे आएगा 130 डिग्री। क्योंकि बेटा टी आर जो है एंगल आर को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल पी आर टी की वैल्यू 30 है तो इसकी एंगल टी आर क्यू की भी वैल्यू 30 होगी। इन ट्रायंगल क्यू टी आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। इसी को ए एस पी टी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड किए हैं 130 डिग्री, एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 130 प्लस 30 160 प्लस 2 इज इक्वल 180, एंगल 2 इज इक्वल 180 माइनस 160, एंगल 2 इज इक्वल 20 डिग्री। यही दोनों हमारे फाइनल आंसर होंगे, प्लीज नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स। अभी आपने देखा कि
ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, फिर उसके इंटीरियर एंगल का सम पढ़ा जिसको हम एएसपीटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल्स। अभी क्या होता है इसको आइए हम जानते हैं। ट्रायंगल की ट्रायंगल में आपके तीन साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो इन्हीं तीनों साइड्स में से किसी एक साइड को अगर एक्सटेंड करते हैं या प्रोट्रूड करते हैं सम डिस्टेंस, तो हमको एक रे फॉर्म आउट होती है। तो इसी रे, जैसे अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में बी सी को प्रोड्यूस करते हैं डी तक कि हमको एक रे बी डी फॉर्म यहाँ हो रही है, तो ये जो हमारा एंगल है ए सी डी, ए इस ट्रायंगल का इस पॉइंट सी के लिए ए सी डी एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। हम लिखते हैं इसकी डिफिनीशन। इफ द साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी एंड फॉर्म अरे बी डी, देन एंगल ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इट इज डिनोटेड बाई EXT dot angles ACT. Note point. For exterior angles ACD in triangle ABC, angle A and angle B are called remote interior angle or interior opposite angle. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और तुरंत इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कब हुआ था?